मेरी मम्मी तो कभी ऐसा नहीं करती, वो भी मेरे साथ। मैं बहुत पढ़ूंगी ऐसा सोचा था उन्होंने, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, किसी में तो फेमस हो जाऊंगी ऐसा भी सोचा। पियानो सीखा, टीचर भाग गई। डांस ट्राई किया, वो भी करते करते दोबारा उस तरफ जाना ही भूल गई। और एक्टिंग जो है, आप लोग खुद ही देख लो। यहाँ पर एक गटर है, आपके पास 10 रुपए का नोट है और वो उसमें गिर गया। तुम्हारे पास बस वो ही एक नोट था, अब क्या करोगी? एक्शन। घर में जाकर अपनी मम्मी से 100 रुपए का नोट ले लूंगी। उसे सुनने के बाद दोबारा भेजेंगे तो मार डालेंगे कहा। कोई और चारा नहीं बचा तो मम्मी ने हमारी ही कंपनी में मुझे बैठाने का सोचा। अनसुया सॉल्यूशंस मेरी जिंदगी का ही सॉल्यूशन नहीं है तो मेरे नाम का क्या सॉल्यूशन मिलेगा? मैं जाकर तुम्हारा केबिन रेडी करवाती हूँ, पर तब तक तुम चुपचाप बैठी रहो। हाय। क्या बात है? हार्ट प्रॉब्लम है? अरे बाप रे, ऑपरेशन के लिए 10,000 चाहिए। क्या हो पाएगा उससे? आधा करके छोड़ देंगे। 1,00,000 रुपए, इतना ठीक है ना? बचपना ही तो है, गलती हो गई। 10,000 मांगे तो 10 ही देने चाहिए, वो बड़प्पन होगा। 1,00,000 दोगे तो पागलपन होगा। अनसोल कंपनी मैंने तुम्हारे नाम पर खोली है, इसके लिए मैं अपने रिश्ते पीछे छोड़ आई हूँ, जानती हो ना? अब वो सब जाने तो लक्ष्मी। म्यूजिक नहीं आता, डांस नहीं आता, एक्टिंग नहीं आती, ऑफिस भेजो तो काम नहीं आता। क्या बनना चाहती है ये? किसी से शादी करके उसकी पत्नी बनेगी, फिर माँ बनेगी, वो काम अच्छा कर सकती है ये। मतलब इस तरह अपने पति से बहस तो नहीं करेगी, हर बात पे बच्चों को डराएगी तो नहीं? ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती है लक्ष्मी। अनु, आपने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी की है। मेरे मरने से पहले तो समझ जाओ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैडम खाना। मर गई है मेरी भूख। क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? एक ही दिन में 90,000 की शॉपिंग करवा दी। तो क्या गलत किया? नहीं, उसे लाकर गलती कर दी। उस लड़की के बारे में जो भी लिखा था सब मिटा दो, नए सिरे से लिखो। उसे देखने के लिए एक टीवी और उसे रखने के लिए एक टेबल, उन पर चैनल्स के लिए केबल। वो तो एसी मांग रही थी लेकिन मैंने रस्सी और लाठी से काम चला दिया। अरे बाप रे बाप रे बाप। रुको ना माँ। बेटा, अपनी बेटी को इतने सालों तक मेंटेन किया है, मतलब अंकल को नोबेल प्राइज दे सकते हैं। And the piston's gonna push the mucker right into the mold. And one of the guys will pour the lead. End of his ass. End of story. What if somebody screws it up? We're fucked. You got one खाना chance, खाने नहीं one है. Shot at it. That's चलो all. चलते हैं. We'll never have time to reset खाना it. खाना नहीं खाना है क्या चलकर? Pull. खाना नहीं खाना है क्या? नीचे चलो ना. मुझे भूख नहीं है. The ball, I won't. Well, you just better be right about that thing not running. भूख नहीं लग रही? Because if it wants out, that's how it's gonna go. क्यों तुम्हें भूख नहीं लग रही है? घर में नया टीवी आया है ना, हैप्पीनेस से मेरा पेट भर गया है, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही। You gonna be? I'll be around. Sorry. Pray. Sorry, एक दिन में इतना खर्चा करवा दिया ना, उसके दुख में। इसलिए अब चलो। तुम्हें तो ना, बैठो बेटी, अब खाओ। मुझे नीचे बैठकर खाने की आदत नहीं। गुस्सा आया क्या? नहीं आएगा क्या? माँ वो प्लेट उठाओ।
खाओ बेटी। आपका बेटा बहुत जिद्दी है। मैं बचपन में जब खाना नहीं खाती थी तो मेरे पिताजी भी मुझे ऐसे प्लेट लाकर तुम्हारे कमरे में खिला दिया करते थे। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा बोझ कैसे उठा के लाते? कोई इंसान घर में बैठकर ऐसे हंसकर बात करे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय, हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, बस एक बात, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है पिताजी, भाग लो यहां से। बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु। हाँ, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला?
बबली सासू माँ। अरे अरे, गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूँ? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं? ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लीज यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा है वो। एक दिन बोलकर भानु को गए एक हफ्ता हो चुका है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, मैं काली हो जाऊंगी। क्या कर रही है वो? शुगर ज्यादा मत डालना, मोटी हो जाऊंगी। तुम तो टेररिस्ट हो। अरे नितिन गुस्सा मत होना। नितिन कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना? उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें? टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे तो... पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? ओहो तेरी तो मैं